सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। हमने देखा है कि आज के सेशन में कैस्टर सीड में मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है, और जो पिछले 3 दिन से एक रैली या बढ़त देखी गई है वो आज भी एक्सटेंड हो रही है, और हमने 6,250 तक के स्तर को छूते हुए देखा है। अगर आज 6,250 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो ऐसा लगता है ये रैली कंटिन्यू होगी और इमीडिएट तौर पर 6,350 और उसके बाद 6,480 तक के स्तर भी देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप की ही रणनीति होनी चाहिए, और ऊँचे स्तर हमें आने वाले कुछ सेशंस में देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर M6 कॉटन की भी बात करें तो हमने देखा है कि कॉटन में भी मजबूती के साथ ट्रेड हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में US में भी कॉटन में तेज़ी जारी है, और उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें तेज़ी के साथ ट्रेड होते हुए दिख रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस 35,800 का एक स्तर इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस यानी क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो 36,300 का जो पिछला स्तर था वो बाजार छू सकता है, और पोजिशनल बेसिस पे करीबन 37,600 तक के स्तर ओपन अप हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म बेसिस बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पर भी अपना के चला जा सकता है। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि आज जीरे में मुनाफा वसूली आई है। लगातार 6 से 7 सेशंस की जो तेज़ी थी उसके बाद एक पॉज देखने मिला है। 18,550 का एक स्तर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आज बाज़ार ने छुआ है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग देने में फ़िलहाल कामयाब नहीं हो रहा है। अगर प्राइस 18,550 को ब्रीच कर देते हैं तो 19,100 तक के स्तर देखने मिलेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि ये स्तर फ़िलहाल नहीं निकाल पाएगा बाज़ार, और एक 2 या 3 सेशन की मुनाफा वसूली हमें देखने मिल सकती है जहाँ पर प्राइजेस जो है हो सकता है 17,900 से 17,950 को टेस्ट करें और उसके बाद दोबारा तेज़ी जो है वो रिज्यूम हो सकती है। वहीं धनिया में भी हमने देखा है कि 9,850 के करीब के स्तर को छूने के बाद प्राइजेस जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही हैं। 9,850 एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाती हैं तो 10,200 से 10,220 तक के लिए जो है टारगेट्स ओपन अप हो जाएंगे। डाउनसाइड में 9,450 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो या 9,850 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो या फिर 9,450 के आसपास मिले, वहाँ पर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। लक्ष्य जो होगा वो इमीडिएट तौर पे 10,220 का लेके चला जा सकता है धनिया में। वहीं अगर हम ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आज ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल के ऊंचाइयों के बाद जहां पर 6,500 तक के स्तर देखने मिले थे एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट लिव्ड होगा, और ओवरऑल जब तक 6,200 यानी 6,200 के ऊपर ओवरऑल प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं तब तक बाय ऑन डिप करके चला जा सकता है। नेक्स्ट बड़ा टारगेट जो है वो 6,650 का लिया जा सकता है। वहीं ग्वार गम में भी एक या दो सेशन की मुनाफा वसूली पॉसिबल है जहाँ पर प्राइसेस हो सकता है कि 11,550 तक हमें आते हुए दिखें, लेकिन ओवरऑल जो रुख है वो ऊपर की तरफ है और 12,200 का एक पोजिशनल लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहीं अगर अब हम रुख करें सोयाबीन की तरफ तो सोयाबीन में एक दायरे का कारोबार है। 6,500 के ऊपर फ़िलहाल प्राइसेस नहीं जा पा रही हैं। वहीं 6,200 से 230 के रीजन में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक तेज़ी करके चला जा सकता है और बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं बिनौला खल में भी हमने आज एक साइडवेज या फ्लैट सा कारोबार देखा है। ओवरऑल 3,100 के ऊपर रुख ऊपर की तरफ है। शॉर्ट टर्म बेसिस 3,230 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड कर पा रहा है 3,490 से 3,550 के जो लेवल हैं पोजिशनल टारगेट के तौर पर अभी भी ओपन है। तो यहाँ पर भी अगर 3,230 के करीब मिल जाता है तो एक बेहतर एंट्री लेवल होगा। 3,100 के नीचे के स्टॉप लेकर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है और 3,550 का एक पोजिशनल टारगेट लेके चला जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि मेजर एग्री कमोडिटीज़ में शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।